दमन में मुहर्रम पर निकले ताजिया, देखी कौमी एकता, अग्रणी भी जुलूस में हुए शामिल। दमन में मुहर्रम पर ताजिया निकाले गए, खारीवाड़, घाजीवाड़ और शहर के दूसरे हिस्सों में भी पारंपरिक तरीके से ताजिया निकले। ढोल ताशे बजाते, रिफाई करते मुस्लिम बिरादरों का यह जुलूस शहर में घुमा। इस दौरान जगह जगह जुलूस से जुड़ते गए। इस जुलूस में अग्रणी भी जुड़े और कौमी एकता बुलंद की। एक जनाब ने फरमाया कि हम मुसलमानों के लिए यह मौका इमाम हुसैन की शहादत की याद दिलाता है। खुदा हमें दीन इस्लाम की राह पर चलने की तौफीक अदा करे। एक अन्य हजरत ने फरमाया कि मुहर्रम का ताजिया जुलूस में यहाँ कौमी एकता का सुर्ख रंग नजर आ रहा है। हम अल्लाह ताला से दमन दीव और पूरे हिंदुस्तान में कौमी भाईचारे बने रहने की दुआ करते हैं। बचपन का एक वादा निभा।
ऐसी है जो खुदा की वये मुस्तफा की है, मर्जी है जो खुदा की वये मुस्तफा की है। ऐ जालिमो खुदा र सदाकत से काम लो, मौका दे अपनी दामन सरकार काम लो, वरना महीना है इमाम हुसैन हसन के, उनके जो सवाब के सवाब के लिए जो हम शरबत का प्रोग्राम रखते हैं, कि भाई इसमें सब लोग हमारे इमाम हुसैन हसन का जो शहीद हुए थे, तो हम इसके लिए शरबत, जो भूखे प्यासे शहीद हुए थे उसमें, तो हम शरबत इसलिए पिलाते हैं कि हाँ कोई प्यासा ना रहे, इसके लिए ईसा सवाब के लिए हम लोग ये शरबत पिलाते हैं और न्याज रखते हैं और न्याज खिलाते हैं। और ये जो शरबत का प्रोग्राम जो रखा गया है हमारा खानदे सुन्नत जमात की तरफ से, जितने भी हैं सब मिल के इसको प्रोग्राम को करते हैं हम लोग, और हर साल इस प्रोग्राम को हम करते हैं। ये यहाँ से निकलेगा खारावड़ से, सीधा अंदर अवाला फरियापुरा सब घूम के खारावड़ घूमेगा, खारावड़ घूम के इधर से अंदर से बाजार वाला एरिया में उधर के सीधा कंसरवाड़ होकर सीधा निकल के पुलिस स्टेशन जाएगा, वहाँ से सेवा मेडिकल सीधा तीन बत्ती से दरिया जुपिटर के पास से दरिया किनारे होकर सीधा उधर ठंडा किया जाएगा पानी के अंदर। आपने अपनी टीबी की दवाई तो ली ना? ले लिया मैंने। एक मिनट में। क्या हुआ? ठीक बेटा, तूने अपनी जांच करवाई? हाँ माँ, टीबी निकली, लेकिन डॉट्स का इलाज शुरू कर दिया है। जिंदगी के हर कदम पे आप डबल सावधानी लेते हैं, तो टीबी के इलाज में भी ऐसा जरूर कीजिए। टीबी संक्रमित मरीजों को अपनी एचआईवी की जांच जरूर करवानी चाहिए, ताकि आपके टीबी के इलाज में कोई रुकावट ना आए। प्रदेश दमन एवं दीव प्रशासन स्वास्थ्य विभाग दमन द्वारा लोगों से अनुरोध है कि मलेरिया रोधी कार्यक्रम के दौरान मलेरिया से बचने के उपायों का पालन कर स्वास्थ्य विभाग को सहयोग करे, अपने आसपास के परिसर को स्वच्छ रखे, छोटे छोटे गड्ढे, बिना उपयोग के बर्तन जैसे ड्रम, डिब्बे, नारियल, टायर, गमला आदि में बरसात का पानी भरने ना दे, मच्छरदानी में ही सोए, घर में दवा का छिड़काव करवाए, बुखार आने पर खून की जांच कराए और स्वास्थ्य कर्मचारियों को पूर्ण सहयोग दे, जिससे मलेरिया जैसी बीमारियों से निजात पा सके। राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम दमन एवं दीव द्वारा जनहित में जारी। Get ready to fight.
होटल रिवांटा, होटलों की दुनिया में एक अनोखा नाम, एन आइडियल डेस्टिनेशन फॉर ऑल योर कॉर्पोरेट एंड फैमिली स्टेज। We have aesthetically designed comfortable and unique interior in our rooms. We have aesthetically designed comfortable and unique interior in restaurant and party hall. लजीज व्यंजनों के शौकीनों के लिए हमारे पास है मल्टीपल कुजीन शेफ्स। आपको फैमिली फ्रेंड्स के साथ पार्टी करना हो, बर्थडे मीटिंग्स या और कोई प्रोग्राम्स अरेंज करने हो या कंफर्टेबल स्टे करना हो तो बेस्ट ऑप्शन इज होटल रिवांटा। एक्सपीरियंस द न्यू लक्जरी विद कंफर्ट एंड क्वालिटी। होटल रिवांटा, 3 बत्ती देवका रोड, नानी दमन।